क्योंकि अब बिहार सरकार है, इनको अधिकार है कानून तोड़ने का और जनता के मुंह में लाठी धंसने का और उल्टे उल्टे चालान भी काटने का, देख लीजिए। और यहाँ गार्ड भी है तो गार्ड भी बोलने वाले, गार्ड भी डांटा किसको दिखाएंगे, आम पब्लिक को, आम जनता को। लेकिन साहब लोगों का चालान नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये साहब है और दाहिने साइड को भी बाएं साइड बना सकते हैं ये कैपेसिटी इनके अंदर में, जैसा कि आपने देखा है। गलती आपसे हुआ, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सर, गलती एक्सेप्ट कर। अगर थोड़ा सा कोई इधर उधर करता है, एक आवेदन आप लोग ठोक देते हैं, 353 लगा के वो केस कर देते हैं। बड़ा आसान है किसी पर FIR करना, कॉलो करके आप भी हमारा नाम पता करके हम पर भी FIR कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए पूछने के लिए क्योंकि आप शीशवा चलाने से क्या होगा सर जी। कम से कम आपसे आग्रह है, अपने ड्राइवर साहब को समझाइए कि आइंदे से दाहिने साइड में गाड़ी नहीं लगा। क्यों लगाया गाड़ी आपका, यहाँ गाड़ी क्यों लगाने दिए हैं आप, क्यों गुस्सेगा आप, गार्ड इसीलिए है यहाँ पे क्योंकि नगर प्रशासन है और यहाँ प्रशासन है तो गलत करेंगे और आम पब्लिक गलत करेगी तो उसको चलान कटेगा। हमको जवाब दीजिए, यहाँ पे लाइए, यहाँ पे इधर आइए, इधर आइए, दिखाइए। बिहार सरकार का पालक पदाधिकारी है नगर परिषद चकिया केसरिया, केसरिया के है और ये इनके ड्राइवर है, देख लीजिए चकिया घूमती है। आम पब्लिक है, आम पब्लिक गलती करेगी तो इसका ₹1,000 का चालान कटेगा, लेकिन इनका चालान नहीं कटेगा क्योंकि ये साहब है, बिहार सरकार है माननीय, इनके में खड़ा है और इनका चालान नहीं कट सकता है क्योंकि अब बिहार सरकार है, इनको अधिकार है कानून तोड़ने का और जनता के मुंह में लाठी धंसने का और उल्टे उल्टे चालान भी काटने का, देख लीजिए। और यहाँ गार्ड भी है तो गार्ड भी बोलने वाले, गार्ड भी डांटा किसको दिखाएंगे, आम पब्लिक को, आम जनता को, लेकिन इनको डांटा नहीं दिखाएंगे। ऐसे मानसिकता को कब डांटा दिखाया जाएगा, गाड़ी पर से लाल बत्ती तो उतरा है लेकिन दिमाग में से लाल बत्ती नहीं निकला है इन लोगों से। यह चकिया चकिया रेलवे घूमती है, चकिया जहाँ ओवर ब्रिज तक पास हुआ, ना सांसद सुनता है, ना विधायक सुनता है, ना कोई नेता सुनता है जनता का, बस जाति धर्म के नाम पर पार्टी के नाम पर इनको वोट चाहिए और ऐसे ऐसे पदाधिकारियों का शासन एकदम चलते रहता है। यह चकिया घूमती है, देख लीजिए आप लोग, ये पदाधिकारी पालक अभियंता ये खुद गलती कर रहे हैं, गलत साइड में खड़े हैं, लेकिन यही है, यही आम जनता जिस दिन गलती करना स्टार्ट कर देगा, इसी आम जनता का ₹1,000 का चालान कटेगा, ₹1,000 का। और जिला के DM साहब और SP साहब आप खुद देख लीजिए और कम से कम इस पर कड़ा एक्शन लीजिए, आप लोग दिखा दीजिए, ये चकिया की आम जनता है, इस जिले की आम जनता है। और मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे ऐसे सोच वाले ये आम जनता जो है, इनको इनको मैं प्रणाम करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ कि जहाँ एक पदाधिकारी गलती कर रहा है लेकिन ये लोग गलती नहीं कर रहे, हमारे जिले के लोग हैं, कम से कम ये लोग सोच तो रहे अच्छा, लेकिन ऐसे पदाधिकारी लोग जो है खुद गलती करते हैं और लास्ट में जनता का चालान काटते हैं, चालान ₹1,000 का, इतना लामा चालान, और कौनो कौनो तो 5,000 का, 7,000 का, 20,000 का चालान काट देता है लोग, ये गरीब जनता का। लेकिन आज देख लीजिए आज दोषी कौन है, आज ये दोषी पदाधिकारी है, अकी आम जनता है। बोलिए भाई लोग, हथौड़ा उठा के बता दीजिए कम से कम कि आप लोग सही है कि गलत है, हथौड़ा उठा के कम से कम बता दीजिए आप लोग। और यहाँ ओवर ब्रिज यहाँ कोई नहीं बनवाएगा, कोनो नेता है नहीं ये जी जी, जो पैसा दे देगा वो पास हो जाएगा और आप लोग पास करेगा तो आपका चालान कटेगा, ये है चकिया घूमती की सच्चाई, देख लीजिए। और यहाँ नेता ही नहीं बनने देता है ओवर ब्रिज, पैसों की कमी नहीं खत्म हो जाएगा, सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, जरूरी यहाँ पर। लेकिन हल्ला करेगा अनिकेत, अब वोट लेगा लोग भाजपा का, राजद का, JDU का, कांग्रेस का, और आप लोग जब तक जातीय पार्टी के नाम पर वोट दीजिएगा ना, यही होगा। इन 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 साहब का चालान क्या कटेगा, तनी साहब से पूछा जाए सर, थोड़ा शीशवा डाउन करिए तनी, गलती है कि नहीं है बताइए। जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है वो दाहिने साइड है, ये दाहिने साइड में आता है सर, मैं देख रहा हूँ, ये दाहिने साइड है और ये जो पब्लिक खड़ी है, आपका गाड़ी अगर आना चाहिए तो उस साइड में नहीं आना चाहिए था, इस साइड में आना चाहिए था, और यहाँ जगह खाली नहीं था तो वहाँ पीछे लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए था। गलती तो हुआ, इसको एक्सेप्ट करिए, गलती आपसे हुआ, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सर,
गलती एक्सेप्ट कर। अगर थोड़ा सा कोई इधर उधर करता है एक आवेदन आप लोग ठोक देते हैं 353 लगा के वो केस कर देते हैं। बड़ा आसान है किसी पर FIR करना। कॉलो करके आप भी हमारा नाम पता करके हम पर भी FIR कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए पूछने के लिए क्योंकि आप सिसवा चलाने से क्या होगा सर जी। कम से कम आपसे आग्रह है अपने ड्राइवर साहब को समझाइए कि आइंदे से दाहिने साइड में गाड़ी नहीं लगाएंगे कहीं गुमटी पे, क्योंकि प्रशासन का गाड़ी खड़ा होता है ना जब दाहिने साइड में, तब जाके आम आदमी भी गलती करना स्टार्ट करता है। ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, वही ना बात कर रहे हैं। यहाँ चकिया गुमटी है जहाँ यहाँ सांसद जीतते हैं, विधायक जीतते हैं, एक बार नहीं, दो दो बार नहीं, पांच पांच बार, लेकिन आज तक चकिया गुमटी पर यहाँ पर ओवर ब्रिज नहीं बना। ओवर ब्रिज बनेगा तो जनता का विकास होगा, लेकिन ओवर ब्रिज वह बन जाएगा तो वोटवा कथी पर मांगा जाएगा, वोटवा कथी पर मांगा जाएगा। तो यही हाल है, दिखा दीजिए उधर भी, दिखा दीजिए इधर भी, दिखा दीजिए। लेकिन इसको कोई सुने तब ना, जितना बोले हैं सुने तब ना। एक बात भाई चाचा, जनता सही बात बोले हैं कि लोग सुने या विचार करे तब ना, वही ना सुने या विचार करे तब ना। लेकिन हमको आज देख के बहुत खुशी हुआ है, कम से कम जनता हमारा सही साइड में खड़ा है, और गलती हुआ तो पदाधिकारी से गलती हुआ, और आगे से मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि पदाधिकारी महोदय आगे से कोई गलती यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ दिखा दीजिए पूरा पीछे लोग, चाचा कोनो गलती कहो कि तो लोगन बतावा लोग। मान लेते हैं कि अगर रौनी बनी 1500 रुपया कमाए बने, कमाने के लिए मजदूर का पूरा दिन भर पसीना छूट जाता है, खून जल जाता है, और वो 500 रुपया कमा के अगर मोटरसाइकिल से घरे जाइए तो चट घेर के हेलमेट ले जाए, कुछ ले जाए, कुछ ला 2000 के 3000 के 5000 के चलान कट जाता है, लेकिन ये लोग का चलान के कटेगा, के कटेगा भाई। लाल बोर्ड साहब कह रहे हैं कि नहीं है, तो थोड़ा फोन गुमटिया के साइड से खड़ा होकर दिखा दीजिए कि साहब का गड़िया दाहिने साइड में है कि नहीं है, क्योंकि हमारी गलती है कि सही बोल रहे हैं। हम गलती कर रहे हैं, हमने अगर साहब को गलती बोला होगा या गलती टोका होगा तो हम गलती मानने को तैयार है, अन्यथा साहब खुद अपना गलती माने कि दाहिने साइड में खड़े हैं, कि खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, काहे खड़े रहिएगा। सीधी सी बात है, तो हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं, DM साहब से, SP साहब से मांग करते हैं, अगर चलान गरीबों का कटता है तो साहब लोगों का भी चलान कटना चाहिए अगर गलती करते हैं तो। विशेष हम कुछ नहीं करते हैं, आप दिखाइए यहाँ से, दिखाइए यहाँ पूरा रोड खाली है, यहाँ से ना आइए, हम बताते हैं आप होलन जाइए, गड़िया पर चलो हट जाइए। अब सर कह रहे हैं कि हम गलती नहीं किए हैं, तो हाँ बाएं साइड में होने लोग खड़ा होने दिखाइए, होने बाएं साइड में खड़ा है आई सर हमारे स्पेशल बाएं साइड में खड़ा है, जाना को हमने दाहिने साइड कहते हैं, देख लीजिए आई देख लीजिए सर के नजर में ये बाएं साइड है, तो सर के नजर में ही बाएं साइड है, ये सही में बाएं साइड है कि क्या कौन साइड है आप लोग तय करिए। अब सबसे बड़ा चीज है कि किसान मजदूर नौजवान छात्र गरीब दबा कुचला पिछड़ा ते पिछड़ा दलित महादलित ये जितना गला गलती करेगा दाहिने साइड में जाएगा, रूल तोड़ेगा, ट्रैफिक नियम को तोड़ेगा, तो उसका चालान कटेगा 5000-10000 का, लेकिन साहब लोगों का चालान नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये साहब है और दाहिने साइड को भी बाएं साइड बना सकते हैं, ये कैपेसिटी इनके अंदर में, जैसा कि आपने देखा है। तो ये बताइए ना, सर बोल रहे हैं कि हम सही साइड में खड़ा, तो हम बोल दिया है कि अनिकेत रंजन पर अगर तैयार करना है तो कर दीजिएगा, ताकि उससे ज्यादा तेज तो उम्मीद हो नहीं, इतना करना करिए, लेकिन देख लीजिए ये स्पेशल वाला बाएं साइड है। इस कैमरामैन वाला भाई हम लोग को मत दिखाइए, साहब को दिखाइए, होने दाहिने साइड होते हैं, दिखा लीजिए। और यहाँ सुधार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का सांसद विधायक और यहाँ के मंत्री यहाँ के नेता चाहता ही नहीं है कि यहाँ पे ओवर ब्रिज बने। ओवर ब्रिज बन जाएगा टोकनी के खेल के पूछेगा, कोई पूछेगा जी तो बनाबे नहीं करेगा कि चुनाव का मुद्दा नहीं खत्म होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर आप लोग शेयर करिएगा पूरे ही बिहार और पूरे देशवासियों से मेरा आग्रह है, ताकि ऐसे ऐसे पदाधिकारी जो खुद गलती करते हैं और चैन से घूमते हैं, सर ऊंचा करके घूमते हैं, और कोई किसी गरीब से गलती होता है तो गरीब को खमियाजा भुगतना पड़ता है, उसका चलान करता है, और उसको उसके मेहनत की कमाई को भी पूरा वसूल कर लिया जाता है, उसका वाहन भी जब्त कर लिया जाता है। तो मेरा जिला प्रशासन से यही मांग है कि कार्यपालक अभियंता महोदय पर कार्रवाई हो,
और इनका कितना चालान कट रहा है जिलाधिकारी महोदय, इसको पूरे सार्वजनिक करके जिला के पूरे जनता को बताकर एक अच्छा मैसेज देने का काम करिए। अगर एक अच्छा मैसेज अगर आप समाज को देने का काम करिएगा तो हमें लगता है कि 80% हमारे जिले के अच्छे लोग भी जानकर गलती नहीं करेंगे, ये मेरा मानना है। और मुझे विश्वास है कि अगर पदाधिकारी महोदय का चालान कटा तो 80% हमारे क्षेत्र का जनता गलती नहीं करेगा, उसका गारंटी हम लेते हैं, बशर्ते इनका चालान कटना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जय हिंद, जय चंपारण, जय बिहार। दिखा दीजिए तनिक परीक्षण नंबर। ₹300 का मजदूरी करने वाला का 1000 का।